पूर्णिया में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के पूर्णिया जिला कार्य समिति की बैठक जिलाध्यक्ष असलम आजाद की अध्यक्षता में आयोजित की गई। कार्य समिति की बैठक का उद्घाटन विधिवत रूप से प्रदेश अध्यक्ष राहत कादरी ने किया। राहत कादरी ने कहा कि हम इंडिया ब्लॉक के सहयोगी दल हैं, बिहार विधानसभा चुनाव में मजबूती से गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। सीट शेयरिंग में सम्मानजनक समझौता हुआ तो ठीक है, वरना हमारी पार्टी बिहार भर में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार है। पूर्णिया और सीमांचल के सभी सीटों पर हम अपनी दावेदारी पेश करेंगे। यहाँ के नेता और प्रतिनिधि कोई भी जनता का दुख बांटने वाला नहीं है। प्रदेश सचिव मनोज जायसवाल ने कहा कि राहत कादरी के नेतृत्व में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार आगे बढ़ रही है। पूर्णिया के जिलाध्यक्ष असलम आजाद ने कहा कि पूर्णिया जिला में पार्टी का मजबूत जनाधार है, हम यहां मजबूती से चुनाव लड़ने को तैयार हैं। गठबंधन में हम 2 सीट पर अपनी दावेदारी पेश करेंगे। देखिए, आज पूर्णिया जिला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार कार्य समिति की बैठक पूर्णिया जिला अध्यक्ष असलम आजाद जी के अध्यक्षता में आयोजित की गई थी, जिसमें मैं स्वयं उपस्थित हुआ हूँ। मेरे साथ प्रदेश के महासचिव मनोज जायसवाल जी, साथ में प्रदेश सचिव बिलाल अहमद जी, मजहरुल हक साहब एवं हमारे अन्य जितने भी साथी इस वक्त मौजूद हैं, उन सभी का शुक्रिया जो बहुत बढ़िया कार्यक्रम कार्य समिति का आयोजित किया है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि सीमांचल बरसों से पिछड़ा रहा है और इसके पिछड़ेपन को किसी भी नेता ने दूर करने की दिशा में कोई काम नहीं किया, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार इस बात को मजबूती से कह सकता है कि आगामी विधानसभा चुनाव में बिहार और साथ साथ सीमांचल की जनता के हक की लड़ाई के लिए हम लोग मजबूती से मैदान में आएंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि हाल के दिनों में बीजेपी के कई नेताओं का बयान जो अप्रत्याशित रूप से आता रहा है, जो खास करके देश हित में कहीं भी न्यायोचित नहीं है। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि बीजेपी के बहकावे पर मॉब लिंचिंग की घटनाएं हाल के दिनों में बढ़ी है। मैं बीजेपी के नेताओं से अपील करना चाहता हूं कि कृपया करके देश हित में इन चीज़ों को रोकने का प्रयास आप लोग अपने माध्यम से जरूर करें, इसलिए कि जिनकी भी जाने जाती है वो बहुत ही कीमती होता है। किसी का परिवार टूटता है, किसी का भाई जाता है, किसी की माँ जाती है, तो किसी का कुछ और जाता है, यानी कि कहीं ना कहीं इस देश का नुकसान हो रहा है। इस नुकसान का अगर सबसे बड़ा कोई कारक है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, और इस भारतीय जनता पार्टी को हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय शरद चंद्र पवार साहब ने महाराष्ट्र चुनाव में महाराष्ट्र में लोकसभा की 8 सीटें जीतकर ये साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी जितना भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार को कमजोर करने की कोशिश करेगा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार उतनी मजबूती से देश की जनता के मुद्दा को भारतीय जनता पार्टी और देश के समक्ष रखेगा। आज पूरी भारतीय जनता पार्टी आदरणीय शरद पवार से डरी हुई है, और हाल के दिनों में जो है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जो महायुति है की सरकार है, जो कह सकते हैं कि वो सरकार जो है किसी भी कंडीशन में बोनाफाइड गवर्नमेंट नहीं है, चोरी की सरकार है, तोड़ मोड़ की सरकार है, जहाँ पे आप देखे होंगे कि प्रधानमंत्री ने छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जो प्रतिमा थी उनका अनावरण किया था, लेकिन यह दुखद है जो देश के एकता और अखंडता के प्रतीक हैं, सबके श्रद्धे हैं, उनकी प्रतिमा का गिर जाना ये बहुत ही दुखद है। आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से छत्रपति शिवाजी महाराज जी को हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, और हम आशा करते हैं कि बीजेपी की सरकार अपनी किसी भी आकांक्षा की पूर्ति के लिए हमारे जितने भी पुरखे हैं, हमारे जितने भी मानने वाले हैं, उनकी उनकी प्रतिमा के साथ या अपने निजी हित को साधने के लिए उनका दुरुपयोग ना करें, दुरुपयोग को बंद करें। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि आज जो हमारी
जिला कार्य समिति की बैठक हुई है, हम एक एक कार्यकर्ता से जानकारी ले रहे हैं कि हमारी बूथ स्तर पर क्या मजबूती हुई है। जब ये जानकारी हमें संपूर्ण रूप से मिल जाएगी और ये स्पष्ट है कि हम इंडिया ब्लॉक के गठबंधन के दल हैं और हमारे नेता परम आदरणीय शरद चंद्र पवार साहब हैं, ऐसे में जब सांप्रदायिक ताकतों को हराने की बात आएगी तो हम निश्चित रूप से गठबंधन की तरफ अपना रुख जरूर करेंगे और एक सम्मानजनक समझौता के लिए हम बात करेंगे। लेकिन ये स्पष्ट कर दूं कि सम्मानजनक समझौता नहीं होने के पर हम बिहार की 100 सीटों पर मजबूती से चुनाव भी लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। पूर्णिया और सीमांचल की जितनी भी सीटें हैं हम सारी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे और मूल रूप से ये बता दूं कि मैं इसी सीमांचल का बेटा हूं और हम सीमांचल में ज्यादा से ज्यादा सीट लड़ने और जीतने का प्रयास करेंगे। आलाकमान से इस बात पर चर्चा हुई है। जी निश्चित रूप से आलाकमान से इस बात पर चर्चा हुई है और हमें आलाकमान की सहमति है कि आप जाएं और चुनाव की हेतु तैयारी को अपना शुरू कर दें। इसी क्रम में आज हमारा पूर्णिया आना हुआ है। धन्यवाद।